दमन प्रशासन द्वारा केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयों से भरा ट्रक किया गया रवाना। संघ प्रदेश दमन प्रशासन द्वारा केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु दमन से दवाइयों से भरा एक ट्रक रवाना किया गया है। आपको बता दें कि केरल रिलीफ फंड के लिए दमन के सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह को दान करने का निर्णय लिया है। इस ट्रक में कुल 60 प्रकार की दवाइयां भेजी गई है, जिसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर, बुखार इत्यादि जैसी ज़रूरत की दवाइयां शामिल है। दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इस दवाइयों से भरे ट्रक को कैलिकट में स्थित केरल के मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के गोडाउन के लिए रवाना किया है। प्रशासन द्वारा दमन दीव की जनता से भी अनुरोध है कि वे भी अपनी ओर से संभवित सहायता एडमिनिस्ट्रेटर रिलीफ फंड में करें, जिसकी विगत दमन कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित है। इस मौके पर दमन दीव प्रशासन प्रफुल्ल भाई पटेल, प्रशासक के सलाहकार SS यादव, दमन कलेक्टर संदीप कुमार, डेप्यूटी कलेक्टर चार्मी पारेख, स्वास्थ्य निर्देशक VK दास, सत्येंद्र कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आप सब लोग जानते हैं केरला में बाढ़ से काफ़ी नुकसान पहुंचा है लोगों को, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो दमन दीव दादरा नगर हवेली एक छोटा सा टेरिटरी है, जिसकी तरफ से पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ केरला के हमारे भाई बहनों के लिए यहाँ से पहुँचा सकें। इसीलिए सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने ये डिसाइड किया है कि एक दिन की अपनी तनख्वाह डोनेट करेंगे केरला रिलीफ फंड के लिए, जो कि हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर के रिलीफ फंड में जाएगी और वहाँ से इकट्ठा करके हम लोग केरला में भिजवाएंगे। साथ साथ वहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिलती रहती है, टेलीफोनिकली भी मिलती है। तो उसी में ये रिक्वायरमेंट आई थी कि अभी क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे हो रहा है तो बहुत बीमारियाँ फैलने के चांस हैं, तो बहुत दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए यहाँ की इंडस्ट्री की मदद से मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ की टेरिटरी की तरफ से आज एक पूरी दवाई भर के ट्रक यहाँ से भेजा गया है, जो यहाँ से कालीकट जाएगा। इसमें 60 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं, इसमें एंटीबायोटिक हैं, पेन किलर हैं, बुखार की दवाई है। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आई थी वो सब हमने इकट्ठी करके 60 अलग अलग तरह की दवाई पूरा एक ट्रक भर के यहाँ से कालीकट भेजा है, जो वहाँ से कालीकट में केरला गवर्नमेंट का जो मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन है उसके गोडाउन में जाएगा और फिर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस मौके पे अभी ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम आप सबकी मदद से, यहाँ की पब्लिक की, इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मदद से वो चीज़ें भेजेंगे। और वहाँ पे अगर मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे पानी कम होता है और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होता है, तो मैन पावर के जरिए भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जैसे जैसे उसकी डिमांड वहाँ से आएगी वैसे वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो पूरे लोगों से भी मेरी ये अपील है कि आप भी बड़े खुले दिल से इस जो त्रासदी है इसमें केरला के लोगों का साथ दें। इसमें जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर रिलीफ फंड दमन में है, जो कि कलेक्टर ऑफिस में जिसकी डिटेल्स हैं और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी होम गुरप्रीत जी के पास हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। जो मटेरियल कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग पब्लिक से मांगेंगे, क्योंकि ऐसे मौके पर जो चीज़ की ज़रूरत है वही देना चाहिए, अदरवाइज़ जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो जाके वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि हेडेक बने लोगों के लिए। तो जो चीज़ की ज़रूरत है मटेरियल की वो हम अपील करेंगे, तो वो मटेरियल भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें।